गुस्सा है क्योंकि लीजा ने बहुत सा लीजा ने भी अच्छा खासा शॉपिंग किया है, बट उसमें कैसा टी शर्ट में थोड़ा पेट दिख रहा है और अभी हम जा रहे हैं। मिथिलेश बहुत कंट्रोल मेरा। हाँ थोड़ा मैं बहुत कंट्रोल मैं कंट्रोल करता हूँ ड्रेस वगैरह के लिए। बहुत नितोरा तोरा बहुत। हाँ तो मेरे को नहीं पसंद है अभी लड़की टी शर्ट पहन रहे कुछ भी पहन रहे तो क्लीवेज वगैरह दिखना। बेटा सुबह ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तुमको जूता ला के दे रहा है पहनो पापा। हाँ मेरे थैंक यू सो मच आयान। मम्मी इधर है। मम्मी को लग रहा है बाथरूम के अंदर है। अरे मम्मी इधर है लीजा। मामा तू जय मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयान। दोबरो उतरो आयान। हाय हाय। वो अपना गेम लेने जा रहा है। अच्छा है ट्रिप पे आई है उठ गई है सुबह 7:30 बजे का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है। घर पे उठने का नहीं होता है घर पे 2-2 बजे तक सोने गए। हिंदी हम सब लोग सोच Лиза happy only खाना only खाना। हिंदी रशियन इंग्लिश सब इसको मुंह से बोलना ही पड़ना है बोलेंगा तभी होएगा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं और आज का दिन पूरा बिजी है। लाइक अभी डिपार्टमेंटल स्टोर जाना है और बहुत सारे जगह घूमने जाने का और सब की वीडियोस बनाएंगे। आयान चलो जाते हैं अपन। जाना बहुत खुश है क्योंकि इसको रशियन खाना मिल रहा है अभी यहाँ पे। तो अंडा बॉयल एग आयान के लिए निकाल रही है और योगर्ट हो गया फ्राइज हो गया सॉसेज आयान का फेवरेट सॉसेज ये टाइम पे खाते हुए। यस लाटका आयान का फेवरेट है सॉसेज। आयान सॉसेज एंजॉय कर रहा है। का बहुत नाटक है इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आयान बस सो ब्रेकफास्ट कैसा है लीजा? अच्छा। लीजा तो खुश है उसका आयान भी खुश है। From the start, there was no you and me. होटल के बाहर है और अभी हम रेडी हो चुके हैं। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में हमने पूरे दिन में आराम किया क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा यहाँ पे दिन में ना 34-35 डिग्री है। हाँ अपने इंडिया का 34-35 में बहुत ज़्यादा गर्म होता है यहाँ का कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो उसके बाद हमने सोचा कि शाम को 4 बजेगा उसके बाद में हम थोड़ा तस्किन में घूमने जाएंगे। आयान और लीजा रेडी है। आयान को हमने टोपी दी क्योंकि गर्मी रहेगी तो इनकेस उसको सर ढका है। आयान थोड़ा गुस्से में क्योंकि उसको कार्टून देखने का था उसको आने का नहीं था। क्या हुआ लीजा? आयान सोना चाहिए। आयान को सोना चाहिए। लीजा ने टी शर्ट पहना है जीन्स पहना है शू और मैंने ये वाइट ब्लैक जीन्स और ये शर्ट और वाइट टी शर्ट। तो लीजा मेरे पे गुस्सा है क्योंकि लीजा ने भी अच्छा खासा शॉपिंग किया है बट उसमें कैसे टी शर्ट में थोड़ा पेट दिख रहा है और अभी हम जा रहे हैं। मिथिलेश बहुत कंट्रोल मेरा। हाँ थोड़ा मैं बहुत कंट्रोल मैं कंट्रोल करता हूँ ड्रेस वगैरह के लिए। बहुत नितोरा तोरा बहुत। हाँ तो मेरे को नहीं पसंद है अभी लड़की टी शर्ट पहन रहे कुछ भी पहन रहे तो क्लीवेज वगैरह दिखना नहीं चाहिए थोड़ा भी। और कैसे लड़की लोग झुके के तो मैं इस हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ कहीं पे भी। और ऊपर से आज थोड़ा मैंने बोला है कि मतलब फुल टी शर्ट वगैरह पहनने के लिए बाद में आपको जैकेट विकेट जो पहनना है बेलारूस में पहनो क्योंकि अभी हम मॉस्क जा रहे हैं। मॉस्क के अंदर कैसा रहता है आपको थोड़ा रेस्पेक्ट करना पड़ता है उनके कल्चर को कहीं पे भी जा रहे तो इसके लिए। हाँ आज अकाल परसो। इंडिया में भी मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो भाई इंडिया में सब कुछ सेफ है सब जगह अच्छा है बट अपने को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आप कहाँ पे जा रहे हो कैसा ड्रेस पहन के जा रहे हो तो थोड़ा मैं हूँ
बेलारूस में पहनो, आपको पहनना है टी शर्ट शॉर्ट्स, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखूं देखना फिर। उज्बेकिस्तान बहुत ही सस्ता है। अब मैं बता रहा था कि मतलब ना आपने ना गूगल यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखे रहेंगे जहाँ पे बोलते हैं उज्बेकिस्तान चीपेस्ट कंट्री, तो मैं बताना चाहूँगा उज्बेकिस्तान चीपेस्ट है बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही सस्ता है उसको ना। मतलब अभी आप आ रहे हो तो यहाँ पे ना आपको ना $2 में भी खाना मिलेगा, $15 में भी, तो डिपेंड है कि आप कहाँ खा रहे हो। अभी जैसे मैं हूँ, मैं अभी सोलो आऊँगा तो मैं हॉस्टल में रुक जाऊँगा, शोरमा खा लूँगा, कुछ भी मतलब बस से घूम लूँगा, सबसे सस्ता वाला टैक्सी ले लूँगा। बट जब मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ तो आप सोचते हो कि अगर आप भी आ रहे हो तो सोचते हो कि मतलब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम निकाल के अच्छे से घूमता, अच्छे रेस्टोरेंट जाता, अच्छे जगह खाना खाता हूँ, थोड़ा लग्जरी, थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल होटल, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि अभी ये होटल में रुके, ये भी होटल हम लोगों को 5,000 रुपये तक पड़ता है पर डे का, और यहाँ पे टैक्सी बहुत सस्ती है। बट टैक्सी में आपको मिलता है लाइक यहाँ पे येंडेक्स एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, जो लाइक उसके एप्लीकेशन में आपको टैक्सी बुक करना है तो नॉर्मल रहता है, पहले स्टार्ट आता है नॉर्मल टैक्सी, उसके बाद में आता है कम्फर्ट, कम्फर्ट प्लस, फिर बिजनेस क्लास। तो टैक्सी यहाँ पे आपको ना 15,100 रुपये इंडियन करेंसी में हो जाता है, 15,100 इंडियन करेंसी में 100 रुपये लगभग हो जाता है, तो 30,000-40,000 मतलब 200-250 रुपये में आपको ना मस्त बिजनेस क्लास टैक्सी मिल जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, आज हमारा कल हमारी फ्लाइट है बेलारूस के लिए, तो आज हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम शूट करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पहले मैनोर करके जो प्लेस है, मॉस्क बहुत ही ब्यूटीफुल है व्हाइट कलर का, वहाँ जाएंगे, वहाँ की आपको वीडियो दिखाएंगे। ओ मेरा पति, चलो लीजा बोलती है ना, चलो मेरा पति, मेरे को हंसी आ जाता है। Our first sink breath was the shortest one. So adorable, much affordable. अभी ये एक नंबर जिद्दी होते जा रहा है इसको। कार है आपके पास, हॉट व्हील्स लिया है मुंबई में, इसको अभी चाहिए। तो हम लोग इसके लिए पिरामिड ले रहे हैं, ले लो, कुछ बोल के मतलब नहीं, उसको तो चाहिए ही चाहिए। इसका मॉल जाना भी ना बहुत वो है। बियर का प्राइस रेडबुल 27,000, बियर 15,000, मतलब कितना हो गया 100 रुपया। गोरिल्ला मैंगो, ये भी एनर्जी ड्रिंक है, 13,000 का। और फेंटा है 7,500 का, एक मतलब 50 रुपये का। और फिर हमें ये 9,000। तो बहुत सारा प्राइजेस ना अपने इंडिया के इतना ही है, और कोई कोई चीज़ें ना थोड़ी महंगी है। अभी पानी का बॉटल बोर्जिम तो महंगा ही रहता है, यहाँ पे मिल रहा है 15,000 का, 100 रुपये का बोर्जिम। ये पानी का बॉटल अच्छा रहता है लोग बोलते, बट बहुत महंगा है। अपना घर का सादा पानी मैं पीता हूँ, वो भी ठीक है, बट लीजा ही पीती है। और क्या 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 बेसिक नीड क्या चाहिए रहेगा लोगों को दिखाओ। तो कोल्ड ड्रिंक 9,000। आयान तो खोजी जोन क्या हुआ, उसको पता है ना पापा उसका सामान खरीदेंगे करके, पापा पापा बोल रहे। मामा पापा сказали купить, надо купить। भाई ले लिए रो मत अभी, चलो ये बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं। भाई मेरे को बाहर भी घूमना है, मेरे को लगता है ना पूरा दिन इधर ही चले जाएगा ऐसे घूमते घूमते ही। 14,000 ढाई मतलब 7,500 तो महंगा ही है, सस्ता नहीं है। 100 रुपये का मिल्क बोलेगा तो कौन सा एंगल से सस्ता मेरे को पता नहीं है। अभी ये भी मिल्क 15,000, तो देखा जाए तो इंडिया का ही रेट है, इंडिया में मिल्क थोड़ा सस्ता है अपने यहाँ से। तो खुदा ले लिया है, इसको माइक से बहुत इंटरेस्टेड है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, अभी इसको पकड़ के रखे है, बोले बाहर निकलोगे तो इसको खिलौना देंगे, बिलिंग हो जाए फिर आपको देंगे। ठीक है ना मेरा बेटा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट ना बहुत ही यूज़फुल है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बेबी प्लान कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, रिसेंटली हम ट्रैवल किए थे अंडमान निकोबार, उसके बाद में हम गए थे लक्षद्वीप, और ये नेचुरल प्लेस है, तो वहाँ पे बाय मिस्टेकली आयान को ना थोड़े मॉस्किटो ने बाइट कर लिया था। तो इस केस में हमने क्या यूज़ किया हम बताना चाहेंगे, और अगर हम ट्रैवल नहीं कर रहे और घर पे भी है तो ये प्रोडक्ट हमेशा हमारे साथ में रहता है। अभी भी कोई छोटा मॉस्किटो या छोटा इंसेक्ट ने बाइट कर लिया तो हम ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये
है लवलैप नेचुरल आयुर्वेदिक आफ्टर बाइट टर्मरिक बाम। तो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा आपको। आप इसके इंग्रेडिएंट्स है हल्दी, टर्मरिक जो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, डिसइंफेक्ट और हील्स एंड प्रोवाइड स्मूथनिंग रिलीफ टू बेबी। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स में आता है पुदीना सूतेस, रिड्यूस इचीनेस एंड प्रोवाइड कूलिंग रिलीफ टू बेबी। आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये ना डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल नहीं यूज़ किए और ये सूटेबल है बच्चों के डेलिकेट स्किन के लिए। आपको ना इसको ना दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है बच्चों के जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है स्मॉल अमाउंट में। इससे ना बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और दे विल बी वेरी हैप्पी। एन को भी ना कभी ना मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, स्मॉल इंसेक्ट ने बाइट किया, अगर रेडनेस दिखा हमको इसकी स्किन पे तो हम ये बाम अप्लाई करते हैं उसे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाला है उनको मॉस्किटो बाइट और इंसेक्ट बाइट से रिलीफ दिलाने के लिए। तो गाइस मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच। I'm a traveling spirit, I've seen many shows, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm... पहुंच गए, थोड़ा सा हमको चल के जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे लोग नहा रहे भी है। सही है अयान, चलो अयान, चलो बाद में खाना उसको। ये देख रहे हो ना, ये बच्चों का प्रोडक्ट होता है और ये रियल प्योर बना रहता है, तो इसको बच्चे खा सकते हैं। बट इसमें लिखा रहता है कितने मंथ से, तो अभी आयान खुश है अपना, इसको खाने को मिल रहा है। आयान बहुत पसंद ये खाना। और आपको क्या पसंद? मैं बहुत पसंद बेलारूस खाना। हाँ, इंडियन खाना नहीं पसंद? पसंद। क्या पसंद? चिकन, दाल राइस। आयान इधर देख के बोलो। बटर चिकन और क्या? बटर चिकन रोज, दाल चावल, भाजी, नॉट स्पाइसी क्या? भाजी। तो गाइस राइट नाउ हम है मिनोर मॉस्क में, और ये बहुत ही फेमस मॉस्क है, और इसके ना जो आर्किटेक्ट है ना बहुत ही मतलब सुपर्ब है, और इसका ये ना वाइट मार्बल से बना गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको श्योरली यहाँ पे विजिट करना चाहिए। आपको पता है कि उज्बेकिस्तान में ना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ना मुस्लिम है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉस्क मिलेंगे, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, और जाके वहाँ पे प्रेयर करना है तो प्रेयर भी कर सकते हो। और आपको पता है कि मॉस्क एक प्रेयर का जगह है जो जहाँ पे एंट्री वगैरह सब चीज़ें फ्री होती है। और अगर गर्ल्स लोग आ रहे तो प्लीज़ अपना पूरा ड्रेस ना मतलब रहता ना कि मतलब हर चीज़ ढका हुआ रहे। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको स्कार्फ लेके कवर करना है आपका फेस, और उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, इसके लिए मैंने भी लीजा को बोला था कि फुल्ली टी शर्ट वगैरह कैरी करे, मतलब जीन्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह ना पहने। और कैसा लग रहा है आपको मॉस्क? अच्छा, बहुत सुंदर। मैं अभी लीजा को बोलता हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। सुंदर, वाइट वाइट मार्बल, पूरा अंदर वाइट मार्बल से। तो मैं अंदर जाके ना एक बार ना अंदर से शूट भी ले लूँगा। अपना बेटा आयान सो रहा है, वो थक गया। और आपको ना यहाँ I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. Okay, so ye hamare gaadi chala rahe. So you were saying that you, what you like about India? Indian food. Okay. Indian food very delicious, very spicy. I like it, and delicious and spicy foods. And which one is your favorite food? My favorite too many. Butter chicken like this, chicken curry.
chicken and meat, lamb. You also have samosa here, samosa, huh? Yeah? Yeah, 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 samosa, and we have plov, Uzbek. Pulav, yeah. Yeah. Samosa we also have in India, but we have like a veg one. Yeah, there is no meat. But I'm happy that you like Indian food, and thank you so much for your hospitality. Also. Better looking than okay. I heard you and your missus had gone your separate ways. I guess I should feel sorry, but I for one. So guys, right now हम आए हैं Magic City में. मैजिक सिटी मतलब ना एक डिज़ाइन किया गया है, बीच में फाउंटेन शो रहता है और बहुत ही अच्छा है. अगर आपने फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपको इवनिंग टाइम पे आना चाहिए. लाइटनिंग वगैरह रहता है, ऐसा लगता है ना डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड जैसा लगता है ना. बहुत सुंदर लाइट, बहुत अच्छा बेबी गुलाज का वॉक वर्क, बहुत अच्छा बेबी वर्क और बहुत लोग. हाँ, आज के दिन तो ट्यूसडे है तो भी बहुत लोग है. अगर आप सैटरडे संडे को आओगे तो बहुत लोग रहेंगे, लोग तो बहुत ज़्यादा है. हम लोग हाँ आज सॉरी आज वेनसडे, वेनसडे पे भी इतने लोग हैं. मैं वो सोच रहा या तो कुछ छुट्टी होगा मोद ना सुबह ना हो दिन की तो नहीं बुद्ध नहीं तो भी लोग शाम शाम को बहुत लोग है. सारे शॉप्स मिल जाएंगे, आप शॉपिंग कर सकते हो और मिनी शो वगैरह रहते हैं ना वो सब भी है. बहुत पसंद है लीजा को, पसंद बहुत बो रही है शॉपिंग करने का है. वाला शॉपिंग ना है भाई, शॉपिंग ना है. नहीं आज इसको क्या हुआ है, बहुत ही ना शांत है, बहुत इसका ना मतलब ना एनर्जी बहुत लो है. क्या हुआ यान? अभी 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 नीचे जाने का है भाई को, अभी नीचे जाने का है. चलो अभी घूमो जितना घूमने का यहाँ पे, कम ऑन. रमीज रेस्टोरेंट में और ये ना मैजिक सिटी के अंदर है. रमीज रेस्टोरेंट आपको ना यहाँ बेलारूस में भी मिल जाएगा, यहाँ पे बाकू में भी मिल जाए, बाकू में भी मिलेगा और यहाँ उज्बेकिस्तान में भी मिलेगा. और कल हम गए थे याद है आपको तस्कन पार्क में, वो रेस्टोरेंट तो अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, खाना भी बहुत अच्छा था, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है. बट रमीज रेस्टोरेंट ना मतलब ना प्राइस वगैरह में देखा जाए ना सस्ता है. मैंने मेन्यू भी आपको दिखाया और व्यू भी इसका अच्छा है. बाहर बैठना वहाँ पे मस्त व्यू है और यहाँ पे प्राइस मतलब 50-60, 300-400 रुपए के अराउंड ना एक डिश है. और वो हिसाब से देखा जाए तो व्यू सामने सब कुछ अच्छा है. Started out the perfect way, stayed in bed for rainy days.
needed. And when I think of all the times I got it wrong and let you down, didn't know it, but what we had was perfect. अभी 11 बज रहे हैं, लीजा और आयान गए थे अभी इसके अंदर मैजिक एक्वेरियम, वहाँ पे फ़िश वगैरह देख रहे हैं। इसको फ़िश बहुत पसंद है और यहाँ पे ना मैं और लीजा ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग आते हैं हम लोग को देखते हैं, क्योंकि लीजा और मैं ना कैसा, वो थोड़ा गोरी है बेलारूशियन और मैं इंडियन, और इंडियन में भी मैं काला हूँ, इंडियन लोग भी बहुत गोरे गोरे रहते, हम लोग को देखते रहते और फिर अपने स्माइल करते, फिर अपने कभी कभी फ़ोटो के लिए पूछते। अभी लीजा अंदर गई थी, कितने लोग आए मेरे को हाय किए, फ़ोटो लिए मेरे साथ में, मैं और कैसा हमारा कपल ऐसे मतलब सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे हैं मतलब। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना, बहुत सब लोग ना जो रहते हैं ना, वो लोग स्माइल करते रहते और अच्छे से ट्रीट करते, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा भी है ना, तो फैमिली देख के और लोग अच्छे से ट्रीट करते, जैसे गाड़ी वाला टैक्सी वगैरह कोई रहेगा, या अभी रेस्टोरेंट में गए थे तो कितना अच्छे से सर्विस दिए थे। यहाँ के लोग अच्छे हैं, बस आप उंगली मत करना कुछ भी वो लोग को रहता कभी। और यहाँ पे आप टैक्सी बुक करते हो ना, तो नॉर्मली इंडेक्स में ना नॉर्मल एक रहता है, उसके बाद कम्फर्ट रहता है, आप कम्फर्ट बुक करना तो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा अच्छा रहता है, ज़्यादा बड़बड़ नहीं, तो बहुत जन सिगरेट का स्मेल आएगा गाड़ी के अंदर, या तो फिर बड़बड़ करते रहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट